वेलकम टू माय चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑनर के लॉन्च होने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है ऑनर 10i। बट उसके पहले फ्रेंड्स, चलिए हम बात कर लेते हैं हुआवे के बारे में। तो हुआवे उसका जो मेन ब्रांड है एंड ऑनर, ये दोनों ब्रांड्स मार्केट में अग्रेसिवली स्मार्टफोन्स लेके आने वाले हैं। हुआवे का एक स्मार्टफोन हुआवे P30 को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लीक्स आ चुके हैं, उसके रेंडर्स भी लीक हो चुके हैं, जो डेफिनेटली हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा हुआवे Nova 4e, ये स्मार्टफोन भी अभी ऑफिशियल हो चुका है। एंड ये स्मार्टफोन का भी डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बट फिलहाल आज के इस वीडियो में हम फोकस करते हैं हुआवे के सब ब्रांड ऑनर के लॉन्च होने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है 10i। अगर हम स्पेसिफिकली 10i के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली से कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन ऑनर 10 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज ऑनर 10 लाइट के जैसे भी होने वाली है, वो तो डेफिनेटली हम आगे डिस्कवर कर ही लेंगे कि एक्चुअल में ये स्मार्टफोन क्या है। एंड इसके अलावा अगर ऑनर 10i जल्दी ही लॉन्च हुआ, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ऑनर 9i का सक्सेस स्मार्टफोन हो सकता है। बट ऑनर 9i को रीब्रांड किया गया था, रीनेम किया गया था एज ऑनर 9n, एंड फिर इंडिया में लॉन्च किया गया था। खैर, काफ़ी चाइनीज कंपनीज यही ट्रेंड फॉलो करती है, चाइना में स्मार्टफोन्स को एक दूसरे नाम से लॉन्च करती है एंड फिर वही स्मार्टफोन को रीब्रांड करके इंडिया में दूसरे नाम पर लॉन्च करती है। बट फिलहाल चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऑनर 10i के बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑनर 10i के बारे में। तो एज आई सेड कि ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस रशियन वेबसाइट पे लीक हो चुके हैं। ये वेबसाइट का नाम है hightech.mail.ru। ये वेबसाइट पे स्मार्टफोन के इमेजेस भी लीक हो चुके हैं, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्मार्टफोन में ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली एंड मोर प्रोमिनेंटली, स्मार्टफोन के बैक पैनल में हम लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखता है, जो कि वर्टिकली स्टैक किया गया है। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले को भी देखें, तो यस, यहाँ पे ये स्मार्टफोन के फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। खैर, अब दूसरे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि लीक हो चुके हैं। तो यस, ये स्मार्टफोन में 6.21 इंचेस का स्क्रीन रहेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट बिग। उसके अलावा यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले ही मिलेगा, बिकॉज ये स्मार्टफोन को एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पे लॉन्च करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रीमियम इतने स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, तो यस, यहाँ पे आपको मिलता है हाई सिलिकॉन Kirin 710 का चिपसेट। एंड साथ में बात आती है रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग, ये स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम मिलेगा विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड यस, डेफिनेटली इंटरनल स्टोरेज को आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से मेमोरी को 256GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। बट फिलहाल फ्रेंड्स, आई फील कि डेफिनेटली यहाँ पे एक और वेरिएंट हो सकता है 6GB रैम वाला, बट देर इज येट नॉट एनी कन्फर्मेशन ऑन दिस। बट फिलहाल एज पर द लिस्टिंग, ये स्मार्टफोन में 4GB रैम दिया गया है। एंड बात करते हैं OS को लेकर, तो डेफिनेटली स्मार्टफोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 Pie ही मिलेगा, एंड ऑफकोर्स उसमें उसका कस्टमाइज खुद का स्किन लेयर भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये स्मार्टफोन के कैमरा को लेके। तो फ्रेंड्स, एज आई सेड कि यहाँ पे ये स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, जहाँ पे उसका मेन कैमरा रहेगा 24 MP का, उसमें वाइड एंगल लेंस दिए जाएंगे। जो सेकेंडरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 8 MP सेंसर स्कैन, वहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिए जाएंगे। एंड जो थर्ड कैमरा रहेगा वो डेफिनेटली 2 MP का रहेगा फॉर डेप्थ सेंसरिंग। एंड उसके अलावा इस फोन की दूसरी भी हाईलाइट ये है कि उसका फ्रंट कैमरा, तो ऑनर 10i का सेल्फी कैमरा 32 MP का रहेगा। डेफिनेटली स्मार्टफोन के बैक पैनल में LED फ्लैश भी दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं अभी ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर जो 2018 ईयर था, दैट वॉज द ट्रेंड ऑफ डुअल कैमरा सेटअप, डुअल रेयर कैमरा सेटअप। बट नाउ यू कैन सी कि अग्रेसिवली हर एक कंपनी अपने स्मार्टफोन में अभी ट्रिपल रेयर कैमरा देने लगी है, तो नो वंडर्स कि अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स होने वाले हैं अगेन इन द मिड रेंज सेक्टर, वो सारे स्मार्टफोन्स में डेफिनेटली ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप तो रहेंगे ही। एंड मिड रेंज स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं ये हम लोग को ट्रेंड नज़र आता ही है कि जो मेन कैमरा रहता है वो हाई पिक्सल का रहता है, जो दूसरा सेकेंडरी कैमरा रहता है वो लो पिक्सल का रहता है, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली वो वाइड एंगल लेंस के लिए ही यूज होता है। तो यस, वही ट्रेंड ये स्मार्टफोन में भी नजर आ रहा है। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, बैटरी को लेके बात करें, तो डेफिनेटली उस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, उस पर कोई भी रिवीलेशन नहीं दी गई है। बट अगर हम लोग पुराने स्मार्टफोन्स देखें, इन केस ऑफ ऑनर 9i के बारे में बात करें या 9n, वहाँ पे हमको 3000 mAh की बैटरी मिली थी, जबकि ऑनर 10 लाइट में हमको 3400 mAh की बैटरी मिली थी। बट जब हम बात करते हैं ऑनर 10i के बारे में, तो डेफिनेटली स्मार्टफोन में हमको 3400 या उससे ज़्यादा, मे बी 3500 mAh की बैटरी मिले। इसके अलावा डेफिनेटली स्मार्टफोन डुअल सिम भी सपोर्ट करेगा,
मल्टीपल कलर वेरियंट्स में भी अवेलेबल रहेगा। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, जो भी नीडेड रिक्वायरमेंट्स है कनेक्टिविटी की, जैसे कि 4G वॉइस ओवर LTE रहेगा, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS भी रहेगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी रहेगा। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखने के लिए कि क्या ये स्मार्टफोन में माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, कि यहाँ पे ये लोग चेंज करके USB टाइप सी कनेक्शन देते हैं। इट्स हाई टाइम के मिड रेंज स्मार्टफोन में भी हमको USB टाइप सी कनेक्शन मिले। तो अगर माइक्रो USB कनेक्शन रहा ये स्मार्टफोन में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, बट खैर ऑफकोर्स वी हैव टू वेट एंड वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि स्मार्टफोन में भी हमको टाइप सी कनेक्शन मिले। एंड सेंसर्स को लेकर बात करें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन के बैक पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, दैट इज क्वाइट विजिबल। एंड उसके अलावा ये स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर्स रहेंगे। एंड इसके अलावा स्मार्टफोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के तौर पे फेस अनलॉक फंक्शनलिटी भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस ऑनर 10i को लेके। तो यस यहाँ पे फिलहाल ये स्पेसिफिकेशंस अगेन आई रिपीट के रशियन वेबसाइट पे लीक हो चुके हैं। हालांकि ऑफकोर्स इस पर कोई भी 100% कन्फर्मेशन नहीं है, बट ये स्पेसिफिकेशंस को करीबन आप 75-80% कन्फर्म मान सकते हैं। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसका कोई भी कन्फर्म लॉन्च डेट नहीं दिया गया है, ना भी ये स्मार्टफोन के प्राइस को रिवील किया गया है। बट सिंस ये मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, अगर हम लोग ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन को 22,000 से ज़्यादा प्राइस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड 22,000 भी एक मैं हायर साइड पे बोल रही हूँ। अगर ये स्मार्टफोन का प्राइस करीबन 17,000 या 20,000 के बीच में रखा तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक डील ब्रेकर हो सकता है दूसरे स्मार्टफोन्स को कंपटीशन देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल अपडेट्स ऑनर 10i के बारे में। उसके बाद डेफिनेटली हम बात करेंगे Huawei Nova 4e के बारे में, Huawei P30 के बारे में। एंड इसके अलावा अगर हम लोग ऑनर के बारे में भी बात करें तो ये कंपनी और एक स्मार्टफोन पे काम कर रही है, बट वो स्मार्टफोन एक प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है। जैसे जैसे वो स्मार्टफोन को लेके भी मेरे को सब्सटेंशियल लीक्स एंड रूमर्स मिलते हैं तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। बट आज के वीडियो में ऑनर 10i के बारे में बस इतना ही था। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।